गुड मॉर्निंग रोहित शर्मा, गुड मॉर्निंग सुप्रिया राय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हमारा टैप रूट सिस्टम का क्या बोलते हैं आखिरी दिन है। टुडे द लास्ट डे ऑफ टैप रूट सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को ये टॉपिक्स पे पता चल गया होगा, जैसे ही आपने कवर देखा होगा तो वहाँ पे पता चल गया होगा कि आज का क्लास का टॉपिक्स क्या है। आज के जो क्लास का टॉपिक है रिलेटेड टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन ही है। क्या मेरी आवाज सबको क्लियरली पहुंच रही है? सर कैन यू हियर मी क्लियरली और कैन यू वॉच मी क्लियरली? बोलिए, कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर, चलिए बहुत बेहतर है। जब अच्छे से सुन सकते हैं देख सकते हैं तो बहुत बेहतर है। चलिए क्लियर बात है। बात करते हैं आज का जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन क्या होगा, इसमें हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है और वो कदम था आपका फ्लेसी टैप रूट सिस्टम का। तो फ्लेसी टैप रूट सिस्टम के आगे की जो बात करेंगे आज सारा का सारा कदम। जस्ट होल्ड मी। चलिए, नोडुलेटेड टैपरूट सिस्टम क्या है, इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करने लगे तो बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन होता क्या है ना सर कि वो नाम उसका वहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं होता, नाम वहाँ पे दिया नहीं रहता है, बस हम लोग पढ़ लेते हैं कि रूट में आपका नोड्यूल्स होता है इसीलिए एक रूट्स होता है। तो वहाँ पे उस चीज़ का एक स्पेसिफाइड नाम नहीं दिया रहता है। क्लास टेंथ से पहले अगर बात करें तो 6-7 में ये चीज़ थोड़ा सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया वाला याद कीजिए थोड़ा सा। तो वहाँ पे वो चीज़ें थी लेकिन वहाँ पे एक प्रॉपरली नाम नहीं दिया गया था। सो आज जो हमारा टॉपिक्स होगा आज वहाँ पे उसको नाम दे दिया गया है। मतलब कि टैप रूट सिस्टम अगर बात करें तो चार पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पे टैप रूट सिस्टम। लास्ट वन इज बट्रेस टैप रूट सिस्टम। तो आज हम लोग दूसरे कदम की तरफ बढ़ेंगे, बट ये नोडुलेटेड टैप रूट सिस्टम यहाँ पे दिख रहा होगा। नोडुलेटेड नोडुलेटेड टैपरूट सिस्टम क्या होता है? नोडुलेटेड टैपरूट सिस्टम इस चीज़ को फिगर के थ्रू आपका वो चीज़ ड्रॉ करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका होता है प्राइमरी रूट्स। आपको तो पता है कि टैपरूट सिस्टम में आपका प्राइमरी रूट्स होना तय है। प्राइमरी रूट्स ये रहा आपका, इसमें से आपका क्या निकला रहता है? सेकेंडरी रूट्स निकला रहता है। थर्ड टर्शियरी भी निकल जाता है कि नहीं है? सारा का सारा चीज इसमें निकला रहता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है आपका नोडुलेटेड टैपरूट सिस्टम। नोडुलेटेड टैपरूट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेकेंडरी रूट्स में आपका कुछ नोडुलेटेड मतलब सर्कुलर कुछ स्वेलिंग्स, इसमें कुछ फूला हुआ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। यस और नो? आप सेकेंडरी रूट्स में देखिएगा, चाहे टर्शियरी रूट्स में बात करते हैं, ये चीज़ आपका स्वेलिंग कुछ देखने को मिलता है, इरेगुलर स्वेलिंग और
मतलब कोई रेगुलर इंटरवल नहीं होता है यहाँ पे, कहीं ना हर जगह देखने को मिल जाता है ये चीज। ये रेगुलर इंटरवल आपको देखने को मिलता है स्वेलिंग, ये स्वेलिंग देखने को मिलता है। और दूसरी चीज बात करते हैं तो ये जो स्वेलिंग होता है ना सर, जनरली सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स पे होता है। जनरली कहाँ पे होता है? सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स पे। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जनरली जो होती है ये आपका जो आपका नोड्यूल्स होता है, इसी को बोलते हैं आपका क्या, नोड्यूल्स। ये चीज क्या होता है? एक स्वेलिंग है, स्वेलिंग जिसको बोल सकते हैं आप। ये स्वेलिंग आपको कहां कहां देखने को मिलता है? सेकेंडरी रूट्स पे देखने को मिल जाता है आपका, टर्शियरी रूट्स पे देखने को मिल जाता है, सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स पे देखने को मिल जाता है। और तीसरी चीज, कभी कभी आपके प्राइमरी रूट्स पे भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी प्राइमरी रूट्स पे भी देखने को मिल जाता है, मतलब आपका टैप रूट पे और उसके रूट्स पे, उसके आपके ब्रांचेज दोनों पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज क्या है, ये इस स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? इस स्वेलिंग को बोलते हैं आपका नोड्यूल्स, या फिर एक और नाम से बोलते हैं ट्यूबरकल्स, नोड्यूल्स या फिर ट्यूबरकल्स की वजह से इस रूट्स का नाम हो जाता है ये नोड्यूलेटेड टैप रूट सिस्टम। अब इस राइजोबियम जीनस का बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, मतलब नाइट्रोजन को ब्रेक करने वाला, नाइट्रोजन को तोड़ने वाला, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। किस में? आपके इस नोड्यूल्स में। ये जो आपका स्वेलिंग दिख रहा है, ये स्वेलिंग, इस स्वेलिंग्स में क्या होता है आपका राइजोबियम जीनस का, जीनस का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर नाइन्थ क्लास में आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी किया है आपने तो ये चीज़ आपको जीनस समझ में आ रहा होगा। तो राइजोबियम जीनस का आपका बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया का पूरा नाम बात करें तो राइजोबियम लेगुमिनस सारम, आर लेगुमिनोसारम भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में आर लेगुमिनोसारम। और इसका मतलब, आर का मतलब ये जेनिस इंडिकेट कर रहा है, राइजोबियम जेनस का आपका ये बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है पूरा का पूरा राइजोबियम लेगुमिनोसारम। अगर बात करते हैं यही चीज, अगर यही चीज बात करते हैं तो क्लास सिक्स सेवेंथ में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है ये नहीं होता है। कहाँ पे पाया जाता है ये चीज? लेग्यूम्स वाले प्लांट्स में, लेग्यूम्स मतलब कि दलहनी जो पौधे होते हैं ना, दलहनी पौधे वाले में प्लांट्स में पाए जाते हैं। जब इसी क्लासेज में, इसी चैप्टर्स में आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही एक चैप्टर में जब लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे फैमिली के बारे में पढ़ना है, कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। अब खान्स फैमिली और बच्चन फैमिली के मत समझ लीजिएगा, यहां पे जो फैमिलीज होगा, यहां पे फाइबेसी, पैपिलियोनेशी, फैबेसी पहले इसका नाम था फैबेसी, इस फैमिली का जो नाम था पहले फैबेसी, अब इसको बोलते हैं अब पैपिलियोनेशी। सर ये कौन सा फैमिली है, क्वेश्चन आता होगा कि ये क्या है, कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है। तो जरा सुन लीजिए, एक दो एग्जांपल बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। आपका नाम, आपने नाम सुना होगा पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम इसी फैमिली का आपका प्लांट्स है। आप एक और नाम सुने होंगे सिसर एरियंटेनम, हालांकि यहां पे दिख नहीं रहा होगा यहां पे पूरी तरीके से, आर आई ई एन टी, ये जो आपका है ये दोनों के दोनों प्लांट्स आपका इसी मेंबर्स के आते हैं, इसी आपके किंगडम्स, इसी फैमिली में आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपका पी का, मटर का आपका साइंटिफिक नेम है, और ये आपके चना जो होता है ना, चना का साइंटिफिक नेम है, ग्राम का साइंटिफिक नेम है सिसर एरियंटेनम। तो ये चीज क्लियर हो रहा होगा पूरी तरीके से, सिसर एरियंटेनम और पाइसम सटाइवम किस फैमिली के मेंबर्स है? तो आप हमेशा याद कर लीजिए, पैपिलियोनेसी फैमिली के मेंबर्स है। पैपिलियोनेसी फैमिली का क्या क्या कैटेगरीज होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स
में आपके ये रूट्स पाए जाते हैं, लेग्यूम्स में पाए जाते हैं न्यूमरस रूट्स, न्यूमरस आपका क्या होते हैं आपके नोड्यूल्स होते हैं, न्यूमरस आपका स्वेलिंग्स होता है इरेगुलर स्ट्रक्चर में, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है कि दो लेग्यूम्स के दो आपके नोड्यूल्स के बीच में कोई आपका डिस्टेंस फिक्स हो, कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, कहीं भी कितना भी लग सकता है। अब इसमें होता क्या, इस नोड्यूल्स में क्या होता है, इस नोड्यूल्स में आपका राइजोबियम नाम का, राइजोबियम जीनस का बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं आपका राइजोबियम लेगुमिनोसारम, राइजोबियम लेगुमिनोसारम। अब ये कैसा बैक्टीरिया है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को बोलते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहने का मतलब कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन करता है तो ध्यान दीजिएगा यहां पे दोनों के दोनों प्लांट्स, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया और लेग्यूम्स, बैक्टीरिया और लेग्यूम्स, वो जो जो नाम मैंने बताया वो बैक्टीरिया और लेग्यूम्स दोनों के दोनों किस एसोसिएशन में रहते हैं, लेग्यूम्स मतलब समझ गए आपको, तो ये दोनों के दोनों एक एसोसिएशन होता है, इन दोनों के बीच में एक संबंध बना रहता है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता क्या है कि इस एसोसिएशन में दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे पूर्ण तरीके से डिपेंड होते हैं, मतलब ये इनको फायदा पहुंचाता है और ये बैक्टीरिया को रहने के लिए लेग्यूम्स क्या देता है, जगह देता है, साइट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ साइट फॉर द लिविंग ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है और बदले में बैक्टीरिया क्या देता है, लेग्यूम्स मतलब क्या होता है, लेग्यूम्स मतलब दलहनी पौधे जो होते हैं ना, दलहनी पौधे मतलब लेग्यूम्स का शुद्ध हिंदी आप तो बोलेंगे तो हो गया आपका और ग्राम्स हो गया, ये सारे के सारे चीज फैमिली, ये प्लांट्स को क्या बोलते हैं आप, लेग्यूम्स प्लांट्स बोलते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स आप इसी को बोलते हैं, आप याद कीजिए थोड़ा सा। तो इसमें जो आपका ये दोनों जो होते हैं आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि दो, जब सपोज कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म है, ये आपका मान लीजिए, मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लेग्यूम्स और ये बैक्टीरिया दोनों के, इसका मतलब यही चीज हुआ कि ये जो हो इसको फायदा देगा और ये जो होगा इसको फायदा देगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेगा, एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करता है, बेनिफिटेड करता है, दोनों को क्या करता है, फायदा पहुंचाता है, उसको उस एसोसिएशन को बोलते हैं आपका, उस संबंध को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यहां पे अब क्या करता है, कैसे फायदा पहुंचाता है, तो जरा सोचिए लेगुमिनस प्लांट्स क्या करता है, लेगुमिनस आपका ये बैक्टीरिया क्या करता है जिसका नाम है आपका राइजोबियम लेगुमिनोसारम, ये क्या करता है आपको नाइट्रोजन को, चूंकि प्लांट्स के पास एबिलिटी नहीं होती है, प्लांट्स के पास एबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले ले, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले ले तो ये चीज एबिलिटी नहीं होती है, तो होता क्या है ये लेगुमिनस बैक्टीरिया क्या करता है, ये लेगुमिनस बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इसको उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है और उसको नाइट्रेट या फिर उसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, जब कन्वर्ट कर देता है तो अब उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एमोनिया को, ये चीज़ आसानी से आपका नाइट्रेट को, नाइट्राइट को, किस जिस फॉर्म में हो उस चीज़ को आपका प्लांट्स ले सकता है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन का यूज़ क्यों ले करता है प्लांट्स, प्रोटीन को फॉर्मेशन में नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आपको में तो इतना का सारा चीज क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है, इन दोनों के बीच के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आप इस नोड्यूल्स को जो आपका स्वेलिंग होता है इसको क्या बोलते हैं आपका, या तो नोड्यूल्स बोल सकते हैं या फिर ट्यूबरकल्स बोल सकते हैं, दोनों का मतलब वही चीज होता है। तो इज इट क्लियर, नोड्यूलेटेड आपका टैपरूट सिस्टम क्या है, ये सारा का सारा चीज क्लियर है, सिंपल सी बात हम लोगों ने क्या देखा कि एक रूट्स है लेग्यूम्स में आपका दलहनी पौधों में जो होता है रूट्स जो होता है प्राइमरी रूट्स होता है, सेकेंडरी रूट्स होता है, टर्शियरी रूट्स भी होता है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स पे आपका क्या होता है कुछ स्वेलिंग्स होता है, न्यूमरस स्वेलिंग मतलब बहुत सारे स्वेलिंग्स होते हैं, बहुत सारे फूले हुए पोर्शन देखने को मिलते हैं और वो भी इरेगुलर स्पेसेस पे, इरेगुलर जगह पे। दूसरी चीज, इस स्वेलिंग्स को बोल देते हैं हम लोग ट्यूबरकल्स या फिर नोड्यूल्स,
इस स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकल्स या फिर नोड्यूल्स। बैक्टीरिया का नाम है आपका राइजोबियम लेगोमिनोसारम। ये आपका जीनस है और ये आपका स्पेसिस दिखने को मिलता है। अगर यह चीज स्टडी किया होगा 9th क्लास में, ये क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां से थोड़ा सा याद आ रहा होगा जीनस और स्पेसिस होते हैं दो चीज। तो अब ये बैक्टीरिया क्या करता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहने का मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को ब्रेक करके इसको प्रोवाइड करता है ताकि ये चीज यूज कर सके। तो अब दोनों के बीच में और उस लेगुमिनस प्लांट जो होता है आपको, उस बैक्टीरिया को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो मतलब दोनों को दोनों कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हैं, और एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं उसको बोलते हैं आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब यही चीज पैरासाइटिक वाले में बात करेंगे ना, तो पैरासाइटिक में फायदा नहीं होता है, एक बस हानि करता है एक दूसरे को। होस्ट को क्या करता है, हमेशा आपका पैरासाइट ये लॉस पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये इसको फायदा पहुंचा रहा है और ये इसको फायदा पहुंचा रहा है। अगर ये नहीं होता, बैक्टीरिया नहीं होता, तो इसको इसमें नाइट्रोजन्स नहीं होता है, और ये अगर ये चीज़ नहीं होता लेगुम्स नहीं, तो बैक्टीरिया को जगह नहीं मिलता रहने के लिए। इज इट क्लियर? क्या मेरी आवाज़ सबको सब तक जा रही है, और क्या सारे के सारे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरी चीज़ बात करते हैं कि अब जब यहाँ पे लेगुमिनस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के होने की वजह से ही ये जो आपका लेग्यूम्स प्लांट्स में है, लेग्यूम्स प्लांट्स में आपका प्रोटीन की अधिकता होती है, प्रोटीन की मेजोरिटी होती है, प्रोटीन्स ज़्यादा पाया जाता है इसमें। ऐसे प्लांट्स में आपका प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। आपने सुना होगा कि दाल ज़्यादा खाइए, दाल में आपका प्रोटीन ज़्यादा होता है, यस और नो? तो यहाँ पे इसी प्रोटीन्स के होने की वजह से ज़्यादा इसको क्रॉप रोटेशन में यूज़ किया जाता है। क्रॉप रोटेशन के लिए इस प्लांट्स को आपका वो चीज़ किया जाता है। क्रॉप रोटेशन क्या है, तो एक प्लांट्स को दूसरे प्लांट्स, जैसे आप मान लीजिए कहा क्रॉप रोटेशन मतलब कि ऐसा दूसरे क्रॉप से क्या कहते हैं एक्सचेंज, और उसको हटाने के बाद बोलते हैं आपका लैंड में जो आपका कैन यू हियर मी सर, बोलिए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो क्या सारा का सारा चीज़ें क्लियर है? बोल दीजिए एक बार, क्लियर है बोल सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो आप बोल दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। मैंने लास्ट में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आपको पॉइंट्स नहीं नोट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम्स दिख रहा था। तो मैंने लास्ट में यही बताया कि आपके लेगुमिनस प्लांट्स को आपका क्रॉप रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेगुमिनस प्लांट्स को क्रॉप रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि इस राइजोबियम बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरियाज के रहने के मदद से, के वजह से यहाँ पे प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे प्लांट्स में, लेगुमिनस प्लांट्स में आपका प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स के मात्रा, ये आपका प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जो फैक्ट्स हमारे पास होते हैं वो होते ये हैं कि अब एक प्लांट्स को ग्रो किया, सपोज कीजिए क्रॉप रोटेशन का मतलब फंडा समझ लीजिए। क्रॉप रोटेशन क्यों होता है सुन लीजिए, क्रॉप का रोटेशन करना ऐसा थोड़ा होता है कि इस तरीके से क्रॉप का रोटेशन करेंगे, नहीं। जैसे मान लीजिए एक बार फसल कोई ग्रो करा दिए, कोई भी फसल, आपका वीट ले लीजिए या फिर राइस ले लीजिए, इज इट क्लियर? वीट ले लीजिए या फिर आपका राइस ले लीजिए। अब वीट और राइस को लेने के बाद अब क्या होता है कि अगर वही चीज कंटिन्यूअसली बार बार वही ग्रो करेंगे एक ही आपके क्रॉप फील्ड पे, तो उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे एक आपका क्रॉप्स ग्रो कराया गया, उसके बाद क्या किया जाता है, आपका लेगुमिनस प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो कराया जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स उसने लॉस किया, सॉइल ने लॉस किया फॉर ग्रोइंग दैट पर्टिकुलर प्लांट, वो सारा का सारा चीज़ क्या कर लेता है, ये ओवरकम कर लेता है, उस चीज को भरपाई कर देता है। तो इस तरीके से आपका फर्टिलिटी जल्दी लॉस नहीं हो पाती है उस क्रॉप फील्ड की। इज इट क्लियर? बोलिए। तो आगे की जो हमारी बात है यहां पे, पूरी तरीके से आपका लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में क्या था, ये नोड्यूलेटेड रूट के बारे में क्या क्या था, सारा का सारा चीज क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं पूरी तरीके से, यस और नो?
तो हमारे पास इसके बारे में लिखने के पॉइंट्स, बोलिए। सर आप लोग तक चलिए ठीक ठाक है। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में क्या लिखेंगे, सेवरल या फिर न्यूमरल्स, न्यूमरस स्वेलिंग्स एट इरेगुलर इंटरवल सर थोड़ा सा नेटवर्क, जो भी है नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है। सारा का सारा चीज सर क्लियर जा रहा है ना, पूरी तरीके से बता दीजिए। इरेगुलर न्यूमरल, इरेगुलर इंटरवल्स आर प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी टर्शियरी एंड sometimes even on क्या primary roots, कभी ये generally क्या होता है, secondary roots पे होता है आपका, tertiary roots पे होता है, और कभी कभी आपका primary roots पे भी हो जाता है। और these swellings are called, these swellings are called nodules, और nodules बोलते हैं या फिर आपका tubercles बोलते हैं। सर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ज़रा बताइए एक बार, थोड़ा सा मैसेज कर कीजिएगा तब तो पता चलेगा सर। मैं कंटिन्यूसली वही चेक कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़, यस सर, चलिए बेहतर है सर, थैंक यू सर, बहुत बेहतर। इन स्वेलिंग्स को क्या बोलते हैं, आपका नोड्यूल्स बोलते हैं या फिर ट्यूबरकल्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे, ये तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे लेग्यूम्स का मतलब आप लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं दलहनी पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपका एग्जांपल, ये चीज़ किस किस फैमिली में होता है, फैबेसी, ध्यान दीजिएगा। फैबेसी का अब नया नाम क्या हो जाता है, पैपिलियोनेशी, पैपिलियोनेशी, फैबेसी का ही दूसरा नाम है पैपिलियोनेशी। ये फैमिली है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स इसी में आते, इसी फैमिली में आते हैं। फैबेसी का नया नाम पैपिलियोनेशी हो गया, ये फैमिली है। अब बोलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं इन नोड्यूल्स, एबैक्ट्रिया ऑफ राइजोबियम जीनस, इस प्रेजेंट। अब इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम लिख सकते हैं,
बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बता दिया है, उस चीज़ को बता दिया है, तो उस चीज़ को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बैक्टीरिया का नाम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है एंड आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं एंड आर कॉल्ड नाइट्रोजन, नहीं दिख रहा सर, एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, एंड आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब कि नाइट्रोजन को तोड़ने वाला बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम मैंने बता दिया है आपका राइजोबियम, राइजोबियम करके क्या नाम है उसका, राइजोबियम लेगुमिनोसारम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बोथ द लेग्यूम्स एंड बैक्टीरिया आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, ये इस चीज़ को भी मैंने अभी समझाया है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने यस समझाया कि नहीं, यस और नो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बैक्टीरिया हेल्प्स टू फिक्स बोला ना, ये चीज दोनों फिगर मैंने दिखाया यहां पे, ये आपका राइजोबियम। चलिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है सुन लीजिए, लेग्यूम्स है एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा संबंध जिसमें ये इसको फायदा पहुंचाएगा और ये इसको फायदा पहुंचाएगा, मतलब कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी को नुकसान नहीं करेगा, मतलब इसके बिना ना ये रह सकता है ना इसके बिना ये रह सकता है, तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों को दोनों क्या होता है, एक दूसरे को क्या करता है, फायदा पहुंचाता है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिख ही लेते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम था तो चलिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, एन एसोसिएशन इन विच An association of two organism. In which both are benefited. जिसमें दोनों को क्या कहता है, फायदा पहुंचाया जाता है, इसको बोलते हैं आपका, सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है, सबके पास है क्या ये चीज़, ये प्रॉब्लम सबके पास है, बोलिए ये प्रॉब्लम सबके पास है या फिर किसी एक के पास है, जस्ट होल्ड मी वन मिनट, इज इट क्लियर। वॉइस बढ़िया नहीं आ रहा है, कट कट के जा रहा है ना सर, कट कट के पूरी तरीके से कट कट के जा रहा होगा, आप चेक कीजिए, आप चेक कीजिए ठीक ठाक होगा, आप चेक कीजिए, चल सही है। एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच टू ऑर्गेनिजम्स
दो ऑर्गेनिज्म का एक एसोसिएशन, एसोसिएशन में संबंध होता है लिख लीजिएगा, जिसमें दोनों के दोनों को क्या होता है बेनिफिटेड किया जाता है, ऐसे एसोसिएशन को क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, ऐसे एसोसिएशन को क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इतना क्लियर होगा। अब क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है दूसरे फॉर्म में और उसको प्लांट को लेग्यूम्स को क्या करता है प्रोवाइड करता है, लेग्यूम्स को प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। अब लेग्यूम्स को मिल गया तो यहाँ पे क्या होता है ड्यू टू इट और इसी के वजह से लेग्यूम्स हैव मोर प्रोटीन्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास मोर प्रोटीन्स होता है एंड इज यूज्ड फॉर क्रॉप रोटेशन। अब तो क्लियर जा रहा होगा ना सर, मतलब इसी की वजह से, मतलब कि ये आपका बेनिफिट करता है तो आपका क्या होता है नाइट्रोजन को क्या करता है प्रोवाइड कर देता है दूसरे फॉर्म में। तो अब इसको क्या हो गया, प्रोटीन्स ज़्यादा का ज़्यादा फॉर्मेशन कर सकता है, प्रोटीन का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा और जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है ऐसे प्लांट्स। मतलब यहाँ पे क्रॉप, ये एक चीज़ तो क्लियर है कि नाइट्रोजन का यूज़ किस में होता है, नाइट्रोजन का यूज़ होता है आपका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन में। इज इट क्लियर, पूरा का पूरा क्लियर है सर, बोल दीजिए पूरा का पूरा क्लियर है या फिर आगे बढ़ूं? सारा का सारा चीज क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। चलिए, मतलब सारा का सारा पॉइंट्स हम लोगों ने अगर देखा जाए तो देख लिए हैं हम लोगों ने यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स में। हाँ, एग्जांपल अभी रह गया, एग्जांपल क्या हो सकता है लिख सकते हैं, एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आपका पाइशम सटाइवम। पाइशम सटाइवम किसका है आपका, पी का, गार्डन पी जिसको बोलते हैं हम लोग, आपका सीशर और एक होता है आपके पास सीशर एरियंटेनम। इसको बोलते हैं ग्राम, चना को बोलते हैं आपका सीसर एरियंटेनम। ये दोनों के दोनों चीज आपका देखने को मिलता है इसका एग्जांपल। तो यहां से मुझे लगता है सारा का सारा चीज क्लियर हो चुका होगा। सो आगे की तरफ, अभी तो हमारे पास एक हुआ ना, अभी हमारे पास ऐसे तीन है और तीन को, अभी दो है हमारे पास, दोनों को आज स्टडी करके ही छोड़ेंगे, पहले नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए, अब दूसरा ज्यादा है नहीं, बहुत छोटा छोटा सा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चीज को खत्म कर ही लेंगे ताकि आगे के लिए नहीं देखेंगे। हमारे पास आता है एक न्यूमेटोफोर्स, जो हमारे पास अभी अभी आपका क्या हुआ, यह चीज खत्म हुआ। ध्यान से स्पेलिंग लिखिएगा सर, थोड़ा सा और इधर लेना पड़ेगा। न्यूमेटोफोर्स टैप रूट। अब ये क्या है, ये कौन सा मामला है, आपको याद कीजिए, मैंने एक चीज डिस्कस किया था आपका ब्लैक वाटर का, ब्लैक किस वाटर, ब्लैक वाटर का नाम दिया था, याद आ रहा है आप लोग को, ब्लैक वाटर की डिस्कस किया था, आपका डिस्कशन हुआ था, मैनग्रोव प्लांट्स किसको बोलते हैं आपका, इस चीज़ का डिस्कशन हुआ था, ये सारा का सारा चीज़, दोनों का दोनों प्लांट्स, ये दोनों चीज़, दोनों टर्म्स आपको डिस्कस हुआ था, याद आ रहा है या सुनो? अगर याद आ रहा होगा, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पूरा का पूरा दोनों याद होगा।
हम लोगों ने एक चीज़ में बोला था कि ये प्लांट्स, ये जो रूट्स होते हैं आपका, ये चीज़, ये प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, तो ब्लैक वाटर में होते हैं। मतलब ब्लैक वाटर कहाँ पे होता है, दलदल जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे बहुत गंदा होता है, तो वहाँ का जो पानी देखेंगे आप बहुत दिन से स्टोर रहता है, तो वो चीज़ वाटर क्या होता है, ब्लैक होता है। दलदल वाली जगह पे ये प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं, वो चीज़ मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपका न्यूमेटोफोर रूट्स हम लोग को कहाँ पे मिलता है आपके, तो वैसे जगह पे मिलते हैं जहाँ पे दलदल हो, मतलब कि स्वैम्प एरिया में ये चीज़ मिलते हैं, आप स्वैम्प एरिया में ये चीज़ मिलते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप प्लांटलेट्स को देखा है ना, प्लांटलेट्स आप याद कीजिए, प्लांट या फिर स्मॉल प्लांट्स के ले लीजिए, स्मॉल प्लांट्स को याद कर लीजिए थोड़ा सा। और स्मॉल प्लांट्स के अगर ऊपर वाले धड़ को काट दिया जाए, तो कैसे देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये आपका प्लांट्स है, ऊपर वाले धड़ को मैंने काट दिया है, और वो भी कोनिकल शेप में, शार्प इस तरह से काटा है, इस तरह से देखने को मिलेगा, हाँ, मार्सी एरिया में सारा का सारा जो भी है आपका, तो इस तरह से आपका न्यूमेटोफोर्स होता है। न्यूमेटोफोर्स बस वही चीज़ याद कर लीजिए, उसके धार को काट लिया जाएगा तो जिस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका न्यूमेटोफोर्स स्ट्रक्चर। ये आपके रूट्स हैं जनरली, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखने की उसे मैं पूरा का पूरा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा हो गया, लीजिए इस तरह से अगर वो चीज़ देखें, सपोज कीजिए नीचे ये मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस मिट्टी के ऊपर वाला जरा देखिए कैसा पोर्शन होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है आपका न्यूमेटोफोर्स का, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब ये न्यूमेटोफोर्स आपको लग रहा है ये ऊपर वाला प्लांट्स क्या है, ये इसको, इस रूट्स को बोलते हैं आपका एब्जॉर्बिंग रूट्स इसको बोलते हैं। ये सारे के सारे जो रूट्स आपको दिख रहे हैं, नीचे दिखने को मिल रहे हैं, ये हो गया, ये सारा का सारा चीज़ को बोलते हैं एब्जॉर्बिंग रूट्स। न्यूमेटोफोर्स कौन सा है, न्यूमेटोफोर्स ये है आपका, और न्यूमेटोफोर्स को एक और नाम से जानते हैं, क्या, रेस्पिरेटरी रूट्स के अगर बात करें, ये न्यूमेटोफोर्स जो है आपका, न्यूमेटोफोर्स आपको पूरी तरीके से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और इस न्यूमेटोफोर्स के आपका सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में जाइएगा, ये अरेंज कैसे रहते हैं जरा देखिए, मैं साथ में लिखते जाता हूँ, ये चीज़ वर्टिकली होता है, वर्टिकल अरेंज्ड। दूसरी चीज़ जो बात करते हैं वर्टिकली अरेंज्ड, दूसरी चीज़ जो हमारे पास बात करते हैं इसके बारे में जो देखने को मिलता है, ये आपका याद कीजिए, सारे रूट्स में हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यस और नो, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हम लोगों ने बात किया था,
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बात किया था, लेकिन ये वाला पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ना होकर के निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। मतलब कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ये रूट्स है आपका, एब्जॉर्बिंग रूट्स आपका दिख रहा है, निगेटिवली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक्स मतलब ग्रेविटी के टुवार्ड्स में, और ये ग्रेविटी के टुवार्ड्स में नहीं होता है, अगेंस्ट में होता है। जरा देख लीजिए, ये सॉइल के ऊपर, सॉइल के ऊपर आपका रहता है, मतलब कि मार्सी एरिया जो होता है आपका, जो ब्लैक आपका स्वैम्प एरिया जो होता है, सलाइन एरिया जो होता है, उसके ऊपर ये निकला रहता है। दलदल वाले जगह जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे ये प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें जो ऊपर वाला एरिया होता है, जरा बताइए, तो वो चीज़ आपका निगेटिवली पॉजिटिवली आपका ये जियोट्रॉपिकली पॉजिटिव होता है या जियोट्रॉपिकली निगेटिव होता है, बताइए। रिप्लाई कीजिए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिवली ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है या पॉजिटिवली ये सॉरी एक मिनट, आपका सर नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? स्टोरिंग रूट्स भी सर नहीं, देखिए अब आ गया आपके पास, मेरा आपके आपका आ गया, सुनिए मैं समझा रहा हूँ आपको। मेरी आवाज़ अब तक जा रही है ना सर? देन सुनिए, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं कि नीचे वाले पार्ट्स होते हैं? नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, लेकिन निगेटिवली जियोट्रॉपिक नीचे वाले प्लांट्स पार्ट्स नहीं होते हैं। निगेटिवली जियोट्रॉपिक नीचे वाले पार्ट्स नहीं होते हैं, निगेटिवली ऊपर वाले होते हैं। जियोट्रॉपिक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस कर दिया जियोट्रॉपिक। और रूट्स जो होते हैं जनरली रूट्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। रूट्स जो होते हैं आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये जो रूट्स होता है पॉजिटिवली कहने का मतलब कि वो नीचे ग्राउंड्स की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके उल्टा काम करने लगता है तो वो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नहीं निगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं। इज इट क्लियर सर? चलिए, यस सर, चलिए बहुत बेहतर। तो ये आपका क्या होता है, इसका आपका क्या होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होता, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, पाया कहाँ पे जाता है, यहाँ पे ये चीज पाया जाता है आपके मैनग्रोव में, जैसे आपका पाया जाता है फाउंडेन स्वैम्प एरिया, फाउंड इन स्वैम्प एरियाज, पाया कहाँ पे जाता है सर? स्वैम्प एरियाज में पाया जाता है। ये चीज़ इतना क्लियर है, स्वैम्प एरियाज में पाया जाता है। दूसरी चीज़ जो बात करते हैं हमारे पास, तीसरी चीज़ जो बात करते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट्स में आपका लेंटिसल्स होते हैं। यहाँ पे क्या, ये चीज़ क्या आपका जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये लेंटिसल्स होता है। और लेंटिसल्स क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। कौन सा? लेंटिसल्स। क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? बोलिए, चलिए यहां पे होता है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स का काम क्या है सर? ये जो आपका डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं, ये चीज डॉटेड डॉटेड, ये आपका लेंटिसेल्स होता है। और लेंटिसेल्स का काम है गैसियस एक्सचेंज में मदद करना, गैसियस एक्सचेंज में मदद करना। चलिए, इन अपर एरियाज लेंटिसेल्स आर फाउंड, या फिर प्रेजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज।
इसीलिए इसका नाम होता है आपका रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं आपका रूट्स बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं, या फिर आपका ये न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स को रेस्पिरेटरी ये गैसेस ये रूट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अपर एरियाज में लेंटिसल्स होते हैं और लेंटिसल्स का काम होता है वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कराना। और क्वेश्चन आता है कि सर ये रूट्स है तो गैसेस का एक्सचेंज क्यों कराएगा, जरा देखिए एब्जॉर्बिंग रूट्स है, एब्जॉर्बिंग रूट्स स्पेशली इसमें होता है, एब्जॉर्ब करने वाला रूट्स को वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला होता है। तो प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उस चीज़ को कराने में मदद करता है ये आपका रूट्स, आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपका रेस्पिरेशन कराता है, रेस्पिरेशन के फंक्शन को एक्टिवेट कराता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आपका रेस्पिरेटरी रूट्स। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको, ऐसे प्लांट्स को, क्यों, स्वैम्प एरियाज में आपको पता है, स्वैम्प एरियाज में आपको पता है कि जो वहाँ पे वाटर में आपका ऑक्सीजन नहीं के बराबर होता है, वाटर में ऑक्सीजन नहीं के बराबर होता है, जिसकी वजह से इसको ऊपर से लेना पड़ता है। इज इट क्लियर? कहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है आपका राइजोफोरा में, आप देखे होंगे आपने मैनग्रोव प्लांट्स भी इसी एग्जांपल होता है, मैनग्रोव प्लांट्स, सारे लोगों को क्लियर है ना सर, मैनग्रोव प्लांट्स के पास भी जो रूट्स होता है वो यही रूट्स होता है, मैनग्रोव प्लांट्स के पास भी जो रूट्स होता है वो यही रूट्स होता है। मतलब क्या होता है, हम लोगों ने एक बार ओवरव्यू देख लिया, वर्टिकली अरेंज होता है ऊपर की तरफ, पूरी तरीके से देखने को मिला, पूरी तरीके से शॉर्ट होता है, छोटा होता है, छोटा छोटा होता है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक बिल्कुल दिख रहा है, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ है, फाउंड इन स्वैम्प एरिया दलदल वाली जगह पे, या फिर सलाइन एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, वही चीज़ है आपका अपर एरियाज में। इसके अपर एरियाज में क्या होता है, यहाँ पे लेंटिसल्स होता है, ये सारे जगह पे क्या होता है, लेंटिसल्स होता है, लेंटिसल्स का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। और इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक पॉइंट्स बच गया हमारे पास एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, एविशेनिया सोरेनिटा और आपका हिरेक्टिनिया, नाम थोड़ा सा अजीब लगे, अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि इसे पहली बार सुना हुआ है, एविशेनिया एग्जांपल है आपका सोनेरेशिया, और लास्ट वाला जो है आपके पास हेरिटेनिया, ये सारे के सारे चीज क्या है आपका एग्जांपल है न्यूमेटोफोर्स का, न्यूमेटोफोर्स का ये सारा का सारा चीज क्या है एग्जांपल से। अब हमारे पास जो ये सारा का सारा चीज क्लियर है, न्यूमेटोफोर्स का एग्जांपल कहां पे देखने को मिलता है, इसके बाद हमारे पास एक चीज और बच जाता है, बट्रेस रूट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बट्रेस रूट, हाँ राइजोफोरा बिल्कुल, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सर? चलिए हमारे पास एक चीज और रह जाता है, बटरेस रूट बहुत आसान है, बटरेस रूट बहुत आसान है, बटरेस रूट का एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो बटरेस रूट कहां पे देखने को मिलता है हम लोग को, तो मक्का देखा होगा, मेज देखा होगा मक्का, चलिए लीजिए सर, अब क्या, अब तो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, आप देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा, हमारे पास अब होता है बटरेस रूट। बटरेस रूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, जहाँ पे आप लोग जिसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एग्जांपल नहीं दिख रहा है, एग्जांपल यहाँ पे एविशेनिया था, एविशेनिया सोनेरेसिया, और एक चीज़ और एग्जांपल था आपका हेरिटेरा, ये आपका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, ये एग्जांपल आपका है, तीनों एग्जांपल आपके पास दिख गया पूरी तरीके से।
बटरेस रूट का एग्जांपल सबसे बेहतर पता है कहां पे देख सकते हैं, मेज में, मेज मीन्स मक्का, मक्का जो होता है ना आपका, वहां पे सबसे आसानी से देखने को मिल जाता है। तीस, ये आपका तीसरा था ना, हाँ चौथा आपका आ जाता है बटरेस, बटरेस रूट आपका देखने को मिल जाता है। बटरेस रूट का सबसे बढ़िया एग्जांपल मेज मक्का, बटरेस रूट का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, मेज मक्का। होता क्या है ना यहां पे, सुनिए पूरी तरीके से आप समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। आप मेज, मेज अगर देखा होगा आपने, मेज को, मक्का को, या फिर रबर के पौधे को, इसका एक रबर, रबर ट्री भी है एग्जांपल, रबर ट्री आपका बम्बैक्स आपका याद कीजिए, इसको भी आपने देखा होगा कहीं पे, बांस की तरह का होता है स्ट्रक्चर, आपने देखिए थोड़ा सा होता क्या है यहाँ पे। ये आपका, आपको पता है यहाँ से क्या होता है, कुछ सर्टेन हाइट पे, ये चीज रख लीजिए, ये चीज पूरी तरीके से होता है एट सर्टेन हाइट से, यहां से क्या होता है नीचे की तरफ रूट्स निकलता है ग्राउंड में, आपने देखा होगा इस चीज को, इस तरीके से आपके रूट्स को, रूट्स देखने को मिलता है, यस नो, इस तरीके से रूट्स निकलता है कि नहीं निकलता है मेज में मक्का में, तो ऐसे ऐसे रूट्स ये क्यों निकलता है, ताकि एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये क्यों निकलता है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, हाँ कॉर्न में भी एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि ये प्लांट्स थोड़ा सा खड़ा रहे। दूसरी चीज, ये जो रूट्स होता है ऊपर से थोड़ा सा एट सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ दबा रहता है, तो दो चीजें हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये बटरेस रूट्स में लैटरली होता है अरेंज्ड, लैटरली दिख रहा है सर पूरी तरीके से, अब जरा देखिए थोड़ा सा हट के लिख रहा हूं, लैटरली अरेंज्ड। दूसरी चीज आपका क्या होता है, शॉर्ट होता है आपका, ये चीज तो पता होगा। एक चीज और देखिएगा, ये इस तरीके से होता है, तो ये चीज आपका लिख सकते हैं ना, आपका ऑब्लिकली या फिर हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिकली या फिर हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा, हॉरिजॉन्टल में आपका समतल, इस तरह से, तो इसको लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूट्स। तीसरी चीज हमारे पास क्या हो सकता है, ये चीज ग्राउंड की तरफ जाता है पूरी तरीके से। तीसरी चीज, चौथी चीज प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, इज इट क्लियर? चार पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिला, लैटरली अरेंज्ड होता है, लैटरली अरेंज्ड होता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूट्स होता है आपका, ट्रेवल्स अराउंड द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, वो चीज पूरी तरीके से आपका पूरी तरीके से दिख रहा है, देखने को मिल रहा है आपका, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे रूट्स को क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे रूट्स को बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं इसको, मैं तो बटरेस रूट बोलता हूं, आपका पता नहीं एक और नाम बोला जाता है इसको, बटरेस रूट को एक और नाम बोला जाता है प्लैंक, पी एल ए एन के एस, प्लैंक्स रूट, प्लैंक्स रूट, ध्यान दीजिएगा इसको, बटरेस या प्लैंक्स रूट बोलते हैं इसको। दो चीजें, स्ट्रॉट होता है मतलब बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉट मतलब होता है बहुत मजबूत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत मजबूत होता है। तो ये सारे के सारे चीज क्लियर है, बोलिए। आज का जो क्लासेस था आपका रूट्स मतलब टैप रूट सिस्टम यहाँ से फिनिश होता है, टैप रूट सिस्टम पूरा क्लियर है, इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, आपका रबर ट्री हो गया, मेज हो गया आपका, आपका ये चीज क्या होते हैं बम्बैक्स, साइंटिफिक नेम वो चीज बहुत सारे हैं आपका।
तो बट्रेस रूट किसको बोलते हैं आपका, न्यूमेटोफोर्स कहाँ पे पाया जाता है, या फिर आपके बात करते हैं तो ये आपका नोडुलेटेड कहाँ पे होता है, आपका फ्लेसी टैप रूट सिस्टम कहाँ होता है, ये सारा का सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा। चलिए लेटरली का मतलब समझते होंगे, आपका वर्टिकल, आपका वर्टिकल तो इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वर्टिकल तो है ही नहीं, तो इसको वर्टिकल नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? सो चलिए, उम्मीद करता हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगले दिन हम लोग का अगला टॉपिक्स होगा कल, यानी कि कल। अभी आपके पास बचा हुआ है क्या, एडवेंटिशियस रूट्स बचा हुआ है और आपका फाइब्रस रूट बचा हुआ है। फाइब्रस रूट्स के बारे में ज़्यादा है नहीं, फाइब्रस रूट्स के बारे में आज ही हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन कल ही स्टार्ट करते हैं, कल ही थोड़ा सा शुरू में कल ही फाइब्रस रूट्स स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद फाइब्रस रूट्स मुश्किल से दो से तीन मिनट का लेक्चर होगा, उसके बाद आपका एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स में जिस तरीके से इसमें क्लास लगा है उसी में, उसमें भी इस तरह से क्लास लग सकता है एडवेंटिशियस रूट्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉर एवर, बी हैप्पी एंड मेक